Hello everyone, this is Shweta from Sacred English Academy. Welcome back to my channel. So I hope you all are enjoying good health at your home. So aaj ki video hai about new education policy 2020. I hope aap sabko is cheez ki information mil gayi hogi ki education sector mein kya kya changes aaye hain aur kis tarike ke changes aaye hain. And you know ki ye changes actually mein 34 years ke baad aaye hain hamare education sector mein. But I think bahut kam aise log hain jinko asal mein ye policy pure tarike se samajh aayi hai. So today through my this video I am going to explain completely about the education policy ki asal mein ye jo education policy है वो क्या बताना चाह रही है और इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपके चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर कैसा इफेक्ट और किस तरीके का इफेक्ट जो है वो आने वाला है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी सबसे पहले कि अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं तो पहले क्या सिस्टम होता था, 10+2 सिस्टम होता था. मतलब आपको 10th करनी होती थी और आपको 12th का एग्जामिनेशन क्लियर करना होता था. बट नाउ दिस स्केड्यूल इज कम्प्लीटली चेंज्ड. अब जो सिस्टम है जिसको हम लोग एक शायद फॉर्मूला भी कह सकते हैं, अब एक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ गया है, दैट इज 5+3+3+4. पहले 5 ईयर्स में क्या है कि जो पहले 3 ईयर्स हैं वो प्री स्कूलिंग उसमें करवाई जाएगी जिसमें बच्चे के प्लेइंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया जाएगा और बाकी अदर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया जाएगा. एंड उसके बाद क्या है, सेकंड बात जो आपको बताने जा रही हूँ कि स्टूडेंट्स टिल 5th ग्रेड इन स्टूडेंट्स को उनके रीजनल लैंग्वेज में स्टडी कराई जाएगी. और अगर दूसरी अगर मैं इसको और आसान तरीके में बताऊँ तो उनके मदर टंग में उनको एजुकेशन करवाई जाएगी. इसका मेन रीजन ये है ताकि रीजनल लैंग्वेजेस का प्रमोट किया जा सके विच आर एक्चुअली डिसअपीयरिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस. सो आगे चलते हैं 1st to 3rd क्लास तक. 1st to 3rd ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें फोकस किया जाएगा बेसिक एजुकेशन के ऊपर. जो बेसिक स्टडी करवानी है वो 1 to 3rd स्टैंडर्ड में उनको करवाई जाएगी. एंड द नेक्स्ट 6th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को, 6th ग्रेड में स्टूडेंट्स को जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स की चूजिंग है वो करवाई जाएगी. जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स वो चूज करना चाहते हैं, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो आर्ट है, चाहे एनी अदर सब्जेक्ट, व्हाटसोएवर इज द लाइक चॉइस ऑफ अ स्टूडेंट, वो 6th स्टैंडर्ड के बाद वो चूज कर सकता है. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा बजाय कि थ्रेटिकल नॉलेज के ऊपर. स्टूडेंट्स जो है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6th स्टैंडर्ड के बाद वो अपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और 6th स्टैंडर्ड में ही दे कैन गो फॉर इंटर्नशिप. उनका 10 days बैगलेस स्केड्यूल जो है वो चलेगा जिसमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे फील्ड में जाके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्पेंट्री की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू लर्न कार्पेंट्री ही हैज़ टू गो फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, ही हैज़ टू गो इन टू द फील्ड टू लर्न दैट प्रैक्टिकल नॉलेज. अब मैं बात करती हूँ बोर्ड एग्जाम्स के बारे में. बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी डन ट्वाइस अ ईयर. अब जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो साल में एक बार नहीं होंगे बल्कि साल में 2 बार होंगे. और साथ ही साथ जो बोर्ड क्लासेस हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. मतलब इसका जो पेपर है वो 2 तरीके से आएगा. ओके, अब बात करते हैं कॉलेज के एजुकेशन के अपडेट्स के बारे में. पहले क्या होता था कि अगर एक स्टूडेंट 3 साल ग्रेजुएशन के लगाता था तो पूरे 3 साल लगाने के बाद उसको बैचलर्स की डिग्री मिलती थी, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता था. बट कई बार ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, चाहे उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होगी, कुछ स्टूडेंट्स को पहले साल ही ड्रॉप आउट करना पड़ता था. कुछ स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर जाते थे. बट ड्रॉप आउट करने के बाद उनकी ग्रेजुएशन नहीं मानी जाती थी, मतलब उनको बैचलर्स की डिग्री नहीं मिलती थी. बट नाउ थिंग्स आर चेंज्ड. अब अगर स्टूडेंट ग्रेजुएशन का पहला साल भी लगाता है तो उस पहले साल को भी वैल्यू दी गएगी, उस पहले साल में भी उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. अगर एक स्टूडेंट 2 साल लगाता है तो 2 साल में स्टूडेंट को डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर एक स्टूडेंट 3 ईयर्स लगाता है ग्रेजुएशन में तो उसको फुल बैचलर की डिग्री दी जाएगी. सो दिस इज अ चेंज इन कॉलेज एजुकेशन. एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑलमोस्ट क्लियर होगी आपको.
एंड नाउ इफ यू वॉन्ट एनी अदर वीडियो लाइक दिस, अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोज आती रहे, सो क्विकली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं अपनी वीडियोज को अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.